सो so, आज हम करंट अफेयर का पार्ट टू करेंगे नवंबर के मंथ का फर्स्ट क्वेश्चन है हु डिटेक्टेड फर्स्ट फास्ट रेडियो बर्स्ट इन मिल्की वे गैलेक्सी किसने डिटेक्ट करा था फर्स्ट फास्ट रेडियो बर्स्ट इन मिल्की वे गैलेक्सी में हमें ऑप्शन भी नहीं नासा इसरो रशियन फेडरल स्पेस एजेंसी या नन ऑफ दिस सो ये डिटेक्ट किया था नासा ने ए ऑप्शन आपका करेक्ट है चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं नासा हैज रिपोर्टेड दैट ऑन अप्रैल ट्वेंटी एंड रेडियो सिग्नल्स नेवर ऑब्जर्व बिफोर इन द मिल्की वे सिग्निफिकेंटली द फ्लेयर ऑफ इट ऑब्जर्व इंक्लूडेड दर्स्ट फास्ट रेडियो बर्स्ट सीन विद इन द गलेक्सी सो नासा ने रिपोर्ट किया है कि ट्वेंटी अप्रैल को उन्होंने ऑब्जर्व किया था मिक्स का एक्सरे का और रेडियो सिग्नल्स का जो उन्होंने कभी भी ऑब्जर्व नहीं किया था मिल्की वे गैलेक्सी में ठीक है और ये फर्स्ट फास्ट रेडियो बर्स्ट है जो उन्होंने गैलेक्सी में देखा था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर विच मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड एन ऑर्डर टू ब्रिंग डिजिटल और ऑनलाइन मीडिया फिल्म एंड ऑडियो विजुअल प्रोग्राम न्यूज एंड करंट अफेयर कंटेंट कौन सी मिनिस्ट्री पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कौन सी मिनिस्ट्री पे इशू हुआ है ऑर्डर कि वो लाएँगे डिजिटल ऑनलाइन मीडिया फिल्म ऑडियो विजुअल प्रोग्राम और न्यूज़ एंड करंट अफेयर रिलेटेड करंट ट सो देखते हैं ऑप्शन में मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, बी दिया मिनिस्ट्री ऑफ इनफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सी दिया मिनिस्ट्री ऑफ दी दिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर सो ये मिनिस्ट्री जो है मिनिस्ट्री ऑफ इनफॉर्मेशस्टिंग चलिए डिस्क्रिप्शन में पड़ते हैं द सेंट्रल गवर्नमेंट है प्रोग्राम ऑनलाइन न्यूज एंड करंट अफेयर कंटेंट अंडर द इफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री विद दिस द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग हैज अ पावर टू रेगुलेट पॉलिसीज रिलेटेड On so, स्टिंग मिनिस्ट्री इस मिनिस्ट्री के अंडर करेगी ये रेगुलेट करेगी पॉलिसीज रिलेटेड टू न्यूज ऑडियो विजुअल जो की अवेलेबल होगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियन बीएमआई रैंकिंग ट्वेंटी नाइनटीन इंडिया की रैंक क्या है बीएमआई एम ट्वेंटी नाइन्टीन पे हमें ऑप्शंस में दिया वन नाइनटी बी दिया वन नाइनटी वन सी दिया वन नाइनटी टू डी दिया वन नाइन्टी सिक्स तो इंडिया की जो रैंक है बीएमआई एम ट्वेंटी नाइनटीन पे दैट इज वन डिस्क्रिप्शन हैं दिस ग्लोबल ऑफ डेटा ईयर From 200 countries rank India at 196th place. With respect to BMI, the normal ranges between 20 and 25. This study revealed that the 19-year-old boy and girl in India do not just have a poor BMI but also one of the shortest 19-year-old population in the world. So global analysis to hai data ki, 34 years. के डेटा की फ्रॉम टू हंड्रेड कंट्रीज से इन्होंने जो डेटा बनाया उसमें इंडिया की जो रैंक है वो वन नाइन सिक्स आई है बी एम आई की बी एम आई मतलब की और इसमें उन्होंने ट्वेंटी से लेकर ट्वेंटी फाइव तक के एज के लोगों के बारे में इसमें एनालिसिस किया है दिस स्टडी रिवील दैट इस स्टडी में रिवील किया कि नाइनटीन ईयर ओल्ड बॉयज और गर्ल्स के अंदर इंडिया में पुअर बी एम आई होता है और इन्होंने एक और चीज रिवील करी है बट आर ऑल्सो वन ऑफ द शॉर्टेस्ट नाइनटीन ईयर ओल्ड पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड सो इंडिया की क्या रैंक है ट्वेंटी मेंिक्स हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्टनरशिप करी है वीजा लॉन्चेस स्मार्ट हम मर्चेंट सोल्यूशन थ्री पॉइंट जीरो के साथ ये इंडिया को फर्स्ट कंप्रीहेंसिव बैंकिंग एंड पेमेंट सोल्यूशन है मर्चेंट के लिए सो so, हमें ऑप्शन में दिए एच डी एफ सी बैंक बी दी पी एन बी बैंक सीधी आई बैंक डी दिवो सो ये बैंक जिसने पार्टनरशिप करी है वीज़ा के साथ जिससे कि ये लॉन्च करेंगे स्मार्ट हब मर्चेंट सॉल्यूशन 3.0 ये उन्होंने करी एच बैंक के साथ चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं एच डी एफ सी बैंक अनाउंस द लॉन्च ऑफ इंडिया फर्स्ट कम्प्रीहेंसिव बैंकिंग एंड पेमेंट सॉल्यूशन फॉर मर्चेंट्स स्मार्ट हब मर्चेंट सॉल्यूशन 3.0 पॉइंट जीरो दिस फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड अलाउ मर्चेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल टू इंस्टेंटली ओपन अ करंट अकाउंट एंड स्टार्ट एक्सेप्टिंग पेमेंट इन स्टोर ऑनलाइन एंड ऑन द गो एच डी बैंक ने अनाउंस किया है की कि वो लॉन्च करा इंडिया का

से लेकर 2025 से लेकर 26 तक की ये फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट किसने सबमिट करी है सो so, हमें ऑप्शन में दिया यशवंत सिन्हा बी दिया यूके के सिन्हा सी दिया एन के सिंह डी दिया और नन ऑफ दी सो ये सबमिट करी है एन के सिंह ने चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं द फिफ्टीन फाइनेंस कमीशन लीड बाय चेयरमैन एन के सिंह submitted its report for the period 2021 to 22 to 2025 to 26 to the honorable प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया में श्री अजय नारायण झा प्रोफेसर अनूप सिंह डॉक्टर अशोक लहरी एंड डॉक्टर रमेश चंद अलोंग विद सेक्रेटरी टू द कमीशन श्री अरविंद मेहता एक्मिस्ट द चेयरमैन इसमें कौन कौन थे इसमें मेम्बर्स थे कमीशन के श्री अजय नारायण झा प्रोफेसर अनूप सिंह डॉक्टर अशोक लहरी डॉक्टर रमेश चंद ये सारे थे उस कमीशन में और उसमें श्री अरविंद मेहता जी भी थे बट मेन आपको दिमाग में क्या रखना है कि किसने सबमिट करी थी कमीशन कमीशन फाइनेंस दैट इज सबमिटेड बाय फिफ्टीड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु नोटिफाइड द ड्राफ्ट रूल्स फॉर द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 किसने नोटिफाइड करे है ड्राफ्ट रूल इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 के हमें ऑप्शन में दिया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ लेबर या यान हनोटिस सो so ये जो ड्राफ्ट है इसे नोटिफाई किया है मिनिस्ट्री ऑफ and employment me. डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं द लेबर मिनिस्ट्री हैज नोटिफाइड ड्राफ्ट रूल्स फॉर द इंडस्ट्रियल रिलेशन द गवर्नमेंट एम टू इंप्लीमेंट फ्रॉम अप्रैल फर्स्ट ट्वेंटी गवर्नमेंट ने सोचा कि वो इंप्लीमेंट करेगी चार लेबर कोड अप्रैल फर्स्ट 2021 से जो लेबर मिनिस्ट्री है उसने नोटिफाई किया है ड्राफ्ट रूल्स इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड ट्वेंटी में और उन्होंने बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी दी है एम्प्लॉयर्स को टू रीट्रेंच वर्कर्स वाइल मेकिंग इट मैंडेटरी फॉर यूनियन

बहुत सारे सेटअप करने वाले फोर्टीन मोर हमें ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं आफ्टर दिस सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ द मेड एन सी प्लेन सर्विसेज बिटवीन द स्टेचू ऑफ यूनिटी एंड साबरमती रिवर फोर्ट इन अहमदाबाद बाई पी एम मोदी द गवर्नमेंट इज नाउ प्लानिंग टू सेफुल लॉन्च के बाद मेड सी प्लेन सर्विसेज जो है बिटवीन द स्टेचू ऑफ़ यूनिटी एंड सावरवर्ती रिवर फोर्ट जो अहमदाबाद में है उधर ही पीएम मोदी जी ने बोला है की वो प्लानिंग करे की वो सेटअप करेंगे फोर्टीन मोर वाटर एरोड्राम्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है

टू एलिमिनेट इंडिया बॉर्डर एरिया विद पाकिस्तान इन राजस्थान सो ये राजस्थान गवर्नमेंट ने एम साइन किया एन के साथ एट थाउजेंड मेगा वॉट पार्क का कि जिसे एस्टेब्लिश कर सके अल्ट्रा मेगा रिनी एनर्जी पावर पार्क

स्कॉर्पनी क्लास सबमेन फ्रॉम माजागोन डॉक इज लॉन्च कौन सी इंडियन नेवी ने मतलब उस नेवी का नाम बताना है जिसने लॉन्च किया फिफ्थ स्कॉर्पिय क्लास सबमरीन फ्रॉम माजागॉन डॉक से हमें ऑप्शन में दिया आई एन एस आई एन एस शार्दुल ननवती कौन सी सबमरीन लॉन्च करी है वो लॉन्च करी है उन्होंने इंडियन नेवी ने कौन सी सबमरीन लॉन्च करी है सो so, वो लॉन्च करी है उन्होंने आई एन एस वेगेर चले डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं इंडियन नेवी फिकॉर्पियो ने क्लास सबमरीन वेगेर हैविंग सुपीरियर स्ट्रेल्थ फीचर लाइक दैट वोटिक एब्सॉर्बन टेक्निक वॉज लॉन्च एट द मार्ग सगोन डॉक इन साउथ मुंबई सो इंडियन नेवी ने फिफ्थ स्कॉर्पियो क्लास सब मरीन जिसके अंदर सुपीरियर चेत फीचर्स है एक, टेक्निक है ये उन्होंने लॉन्च करी है माजाकोड डॉक साउथ मुंबई में अब हम इंपॉर्टेंट डेज और इंपॉर्टेंट पीपल के बारे में पढ़ते हैं हमें ऑप्शन सबसे पहले पॉइंट दिया हुआ मुस्टैच इज द बुक बाय मलयालम ऑथर एस हरीश वन दे सी बी प्राइज फॉर लिटरेचर ट्वेंटी ट्वेंटी मुस्तैच एक बुक है जो मलयालम ऑथर ने लिखी है एस हरीश ने जिन्होंने जीता है जे सी बी प्राइज अपने लिटरेचर के लिए नेक्स्ट पॉइंट है सत्यजीत घोष फॉर्मर इंडिया एंड महून बेगन फुटबॉल प्लेयर पास द एज ऑफ सो सत्यजीत घोष कौन है और महून बेगन कौन है वो बहुत फेमस फुटबॉल प्लेयर है हमारे नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट है विद्या देवी भंडारी रिलीज पिक्टोरियल एंथोलॉजी ऑन महात्मा गांधी इन नेपाली लैंग्वेज टाइटल माइले बूझे को गांधी विद्या so, देवी भंडारी ने रिलीज करी पिक्टोरियल एंथोलॉजी महात्मा गांधी ऑन महात्मा गांधी नेपाली लैंग्वेज में जिसका टाइटल है मायल बुच गांधी नेक्स्ट पॉइंट है भगत सिंह शियारी ने रिलीज करी है बुक मांझी भिंद जिसके ऑथर है राजेंद्र दादार जो कि फॉर्मर महाराष्ट्र मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है सो so, मांझी भिंद जो है वो बुक है जिसे रिलीज किया है भगत सिंह होशियार ने और उसको लिखा जो है राजेंद्र दादरा जी ने लिखा है जो की मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन थे महाराष्ट्र में नेक्स्ट पॉइंट है रस्किन बॉन्ड जो है वो ऑथर है ऑफ द बुक हाउ टू बी अ राइटर

एवं उत्थान महाभ्यान स्कीम इसका टारगेट था कि ये अचीव करेगी एनहांस सोलर कैपेसिटी ऑफ थर्टी पॉइंट एट गीगा की टू थाउजेंड ट्वेंटी फाइनेंशियल थर्टी फोर थाउजेंड एंड थर्टी फाइव करोड़ इसका टारगेट क्या अचीव करेगी एनहांस सोलर कैपेसिटी थर्टी पॉइंट एट गीगा की टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तक और रिवाइज करेगी सेंट्रल फाइनेंशियल सपोर्ट कितने तक का थर्टी फोर थाउजेंड एंड थर्टी फाइव करोड तक का सो हमारा क्वेश्चन है हैज बिकम द फर्स्ट नोटिफाइड फंड टू गेट हंड्रेड परसेंट इनकम टैक्स एग्जम्शन इन इंडिया कौन सा बना है पहला नोटिफाइड फंड जिससे की मिलेगा हंड्रेड परसेंट इनकम टैक्स एग्जम्शन इंडिया में सो हमें ऑप्शन भी दिया अबू धाबी सोवरेज वेल्थ फंड सोवरेज वेल्थ फंड है फर्स्ट नोटिफाइड फंड जिसे मिलेगा हंड्रेड परसेंट इनकम टैक्स एग्जामेशन इंडिया में वो बना है अबू धाबी सोवरेज वेल्थ फंड चलिए डिस्क्रिप्शन में पड़ते हैं अबू धाबी सोवरेज वेल्थ फंड एम आई सी रेड वोड वन आर एस सी लिमिटेडम फर्स्ट

किसने कंप्लीट किया है पहला ह्यूमन ट्रायल हाइपरलूप बोर्ड का 500 मीटर में हमें ऑप्शंस में दिया द द बोरिंग बोइंग कंपनी बी दिया वर्जन हाइपरलूप सी दिया अरेवो डी दिया सो so ये कंप्लीट किया वर्जन हाइपरलूप ने चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं वर्जन हाइपरलूप है सक्सेसफुल द फर्स्ट एवर ह्यूमन ट्रायल इन द हाइपरलूप बोर्ड एट द डेवलप टेस्ट फैसिलिटी इन द यूएस टू पैसेंजर्स बोथ कंपनी स्टाफ ट्रेवल फाइव हंड्रेड इन फिफ्टीन सेकेंड रीचिंग हंड्रेड मीटर

500 मीटर दैट इज डन बाय वर्जन एपलोम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु लॉन्च यू के आई बी सी डूंग बिजनेस इन इंडिया रिपोर्ट 2020 ट्वेंटी यूके आई बी सी फुलफॉर्म किया है यूनाइटेड किंगडम इंडिया बिजनेस काउंसिल सो हमें ऑप्शन में दिया हुआ है कैन ग्रीफिट बी दियोर लॉर्ड ग्रिमस्टोन ऑफ बॉस्को बेल के टी सी दर स्टीव इन ब्लैक डी दियोर नॉन ऑफ दिस सो ये यूके आई बी सी डूंग बिजनेस इन इंडिया रिपोर्ट जो है ये लॉन्च किया लॉर्ड ग्रिमस्टोन ऑफ बॉस्को बेल केटी ने चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं द यूनाइटेड किंगडम एंड इंडिया है वर्ल्ड दिस इज वाई द अपीट फाइंडिंग ऑफ द Report 2020 इंडिया बिजनेस काउंसिल at बिजनेस इन इंडिया रिपोर्ट तो यूनाइटेड किंगडम और इंडिया ने बहुत सारे चैलेंज देखे हैं इस पेंडेमिक में और पूरे वर्ल्ड ने भी देखे हैं इसलिए उन्होंने सोचा है वो फाइंड करेंगे यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल डूइंग बिजनेस इन इंडिया रिपोर्ट 2020 जिससे कि लोगों को एंकरेज मिलेगा फॉर डूइंग बिजनेस इन इंडिया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज द बेस्ट स्टेट एट सेकेंड नेशनल वाटर अवार्ड 2019 नाइनटीन फॉर वाटर मैनेजमेंट किसने जीता है बेस्ट बेस्ट स्टेट सेकेंड नेशनल अवार्ड वाटर अवार्ड ट्वेंटी वाटर मैनेजमेंट के लिए हमें ऑप्शन में दिया उत्तर प्रदेश बीती और तमिलनाडु सीधी हरियाणा दीदी और नाना प्रदेश तो ये जीता है तमिलनाडु

इसमें उनको फर्स्ट और सेकेंड अवार्ड मिला है वेल्लोर और करूर को करूर डिस्ट्रिक्ट को बट आपको ये ध्यान रखना है कि किसने बेस्ट चीज एट सेकेंड नेशनल वाटर अवार्ड ट्वेंटी जीत जीता है

कुमार बी पूर्णिमा गुप्ते सी आर चंद्रशेखर सी डी ननौती सो so, ये नाइन मेंबर्स की जो वर्किंग ग्रुप है ये रिविजिट करेगी रिटेल बिजनेस इंजीनियरिंग टेफ्यू बाई आई आर डी ए सो करेक्ट आंसर आर चंद्रशेखर चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं इंश्योरेंस सेक्टर रेगुलेटर आई आर डी एज से वर्किंग ग्रुप टू रिविजिट प्रोडक्ट स्ट्रक्चर ऑफ इंजीनियरिंग ट्राफिक रिलेवेंट फॉर द रिटेल कैटेगरी इन द वे ऑफ कंटिन्यूस एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी इंश्योरेंस सेक्टर रेगुलेटरी जो आई आर डी आई है उसने सेटअप किया है वर्किंग ग्रुप जो रिविजिट करेगी प्रोडक्ट स्ट्रक्चर को इंजीनियरिंग रिलेवेंट फॉर रिटेल कैटेगरी और इसको हेड करेंगे आर चंद्रशेखर जो की फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल ऑफ जी आई काउंसिल है वो ये रिपोर्ट सबमिट करेंगे विदिन थ्री मंथस सो so, इसके मेन हेड है, कौन है दैट इज आर चंद्रशेखर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु लॉन्च पे आउट लिंक फॉर बिजनेस टू इंस्टेंटली ट्रांसफर मनी किसने लॉन्च किया पे आउट लिंक बिजनेसिस के लिए इंस्टेंटली ट्रांसफर मनी के लिए हमें ऑप्शन पेटीएम बी डी फोन पे सीडीओ जियो मनी डीदी नौतीज सो ये लॉन्च किया है पेटीएम ने चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं पे हैज़ हाँ। launch payout links for businesses enabling them to instantly process payout to customers employees and vendors without collecting their bank details payout link offers seamless payments integration for businesses to quickly send incentive and refund to customers through the easy and inexpensive method of a simple payout link so paytm has announced the launch of payout link for businesses and it will enable instantly process payout customers.

कौन प्रेजेंट था सेकेंड नेशनल वाटर अवार्ड में हमें ऑप्शन में दिया हुआ है वाइस प्रेजिडेंट एम वेंकैया नायडू पी एम नरेंद्र मोदी सी राजनाथ सिंह डी नन ऑफ दिस सो ये प्रेजेंट थे Vice President Venkaiah Naidu ji, so description it's the Vice President of India, Shri Venkaiah Naidu presented the National Water Award for 2019 on 11th November 2020. This is the second edition of the award. The award ceremony has been organized by the Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation. वो प्रेजेंट कर रहे हैं नेशनल इलेवेंथ नवंबर ट्वेंटी ट्वेंटी को सो वो ट्वेंटी ट्वेंटी में प्रेजेंट कर रहे हैं so, है, और सेकेंड एडिशन अवार्ड है इस सेरेमनी को ऑर्गेनाइज किया है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स ने रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजोवेशन ने इलेवंथ और ट्वेल्थ नवंबर के लिए और ये अवार्ड वर्चुअली परफॉर्म किए जाएंगे अब हम इंपॉर्टेंट डेज और इंपॉर्टेंट पीपल के बारे में पढ़ लेते हैं हमें फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ इंडियन एस्ट्रोनॉमर कोलाबरेटेड विद 2020 फिजिक्स नोबल लवर एंड्रिया गेज ऑन 30 मीटर टेलीस्कोप प्रोजेक्ट इंडियन एस्ट्रोनॉमर ने कोलाबरेट किया है ट्वेंटी, ट्वेंटी फिजिक्स नोबल के लिए

कोलम्बियस्ट जो है एसजे कोलम्बियस्ट जो है फादर कार्लोस जो है, उनकी डेथ हो चुकी है एट द एज ऑफ नाइन्टी फाइव वो कौन थे वो गुजराती कोलम्बनस्ट थे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वर्ल्ड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर बहारन प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा एट द एज ऑफ नाइन्टी फोर कौन है ये ये प्राइम मिनिस्टर है बहारन की कौन है प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा नेक्स्ट है न्यू हिंदी बुक ऑन गुलजार बॉस की आना इस पब्लिश पर राधा कृष्ण प्रकाशन राधा कृष्ण प्रकाशन ने पब्लिश करी है एक न्यू बुक गुलजार जी के ऊपर जिसका नाम है बोस्की आना सो so, पहला पॉइंट क्या है कि इंडियन एस्ट्रोनॉमर ने कोलैबोरेट किया है गुजराती कोलम्बनिस्ट जो है फादर कार्लोस गोन्स वेलिस एच ए जो है वो पास भी हो चुके एट द एज ऑफ नाइन्टी फाइव वो कौन थे वो गुजराती कॉलम्बनिस्ट थे प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा कहा के प्राइम मिनिस्टर है

संदीप भगत पार्टनर एट एसोसिएट एंड अपडेट विद द विद्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया शोड द एक्सपर्ट ग्रुप वुड रिविजिट द फ्रेमवर्क ऑफ शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट एंड सजेस्ट पॉलिसी चेंजेस मेंबर्स के एक्सपर्ट ग्रुप है जिसे चेयर करा है संदीप भगत जी ने और ये पार्टनर है एट एस एन आर एसोसिएट और इन्होंने अपडेट दिया है सेवी के बारे में और वो एक्सपर्ट ने रिविजिट किया है पॉलिसी चेंजेस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपिटल गुड सेक्टर कौन है हेड कमेटी का जिसमें ट्वेंटी टू इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी है जिसने स्ट्रेंथ किया है कैपिटल गुड सेक्टर को तो so, हमें ऑप्शन में अरुण गोयल

पब्लिक एंटरप्राइजेस सो गवर्नमेंट ने सेटअप किया 22 टू मेंबर इंटरमिनिस्ट्री कमेटी जो कि स्ट्रेंथ करेगी कैपिटल गुड सेंटर को और ये हेल्प करेगी कैपिटल गुड सेक्टर को वो कंट्रीब्यूट करे नेशनल गोल्स में और ये अचीव करे फाइव ट्रिलियन की इकोनॉमी में और वन ट्रिलियन ये मैन्यूफेक्चरिंग सेक्टर से दे सो so, कौन है इसके हेड अरुण गोयल हेड है

क्रिकेट में तो इंटरेस्ट होगा ही तो इसमें तो मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं आपको ऑलरेडी पता होगा चलिए इसलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गवर्नमेंट हैज़ ऐड न्यूट्रिशन टू आंगनवाड़ी डाइट चार्ट कौन सी गवर्नमेंट ने ऐड किया दाइचार, दाइचार है फिश न्यूट्रिशन आंगनबाड़ी चार्ट डाइट चार्ट पे चार्टे ऑप्शन दिया उड़ीसा बी डी और राजस्थान सी डी और दिल्ली डी डी ओर नॉर्थ ईस्ट सो वो गवर्नमेंट है उड़ीसा गवर्नमेंट जिसने ऐड किया है फिश न्यूट्रिशन आंगनबाड़ी डाइट चार्ट पे चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं उड़ीसा गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस फिश एंड फिश बेस्ड प्रोट products in supplementary nutrition program on a pilot basis in order to reduce malnutrition among the vulnerable people in the hard to reach area of the state bahut achhi baat hai ki odisha ki government ne introduce kiya hai fish based product supplementary nutrition program ke तहत जो कि reduce करेगा malnutrition ठीक है और ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने आंगनवाड़ी diet chart में fish nutrition का भी ध्यान रखा है हमारे next question है very second world health expo held कहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड हेल्थ एक्सपो हुआ है हमें ये बताना हमें ऑप्शन इंडिया सी नेपाल डी दी और so, ये हुआ है चाइना में चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं द वर्ल्ड हेल्थ एक्सपो इज हेल्ड इन कैपिटल सिटी वुहान फ्रॉम नवंबर नवंबर टू से लेकर 14 तक वहाँ पे ये वर्ल्ड हेल्थ एक्सपो हुआ है इट फीचर्स ट्वेल्व डिफरेंट वेन्यूज फॉर ऑडियंस टू एक्सपीरियंस द मोस्ट फ्रंटियर हेल्थ टेक्नोलॉजी द लेटेस्ट इन स्पोर्ट फिटनेस स्पोर्ट्स एंड द मोस्ट रिस्टोर्ड एंटीपेडेमिक सीन सो तो ये सेकेंड वर्ल्ड हेल्थ एक्सपो कहाँ हुआ है हुबेई जो कैपिटल सिटी है वुहान वहाँ हुआ है कब से कब तक तो हुआ है इलेवन नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक तो हुआ है और ये 12 डिफरेंट वेन्यूज में हुआ ऑडियंस के लिए कि वो एक्सपीरियंस कर सके डिफरेंट हेल्थ टेक्नोलॉजी को और मे बी उसमें उन्होंने ये भी बताया हो की हमें अपनी हेल्थ और फिटनेस पे ध्यान रखना कि आज के जमाने में कितना इम्पोर्टेंट है हमें अपनी फिटनेस का ध्यान जरूर रखना चाहिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज साइन डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट विद हार्ली डिविडसन फॉर इंडियन फॉर इंडिया मार्केट किसने साइन किया डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट हार्ली डिविडसन के साथ इंडिया मार्केट में हमें ऑप्शन दिया हीरो मोटोकॉम बी दिया बजाज ऑटो लिमिटेड सी डि टीवीएस मोटर

पील और ब्रांड हीरो, इन इन। और हीरो ने, जो है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट मेकर है मोटरसाइकिल्स के और स्कूटर्स के इन टर्म ऑफ ई वॉल्यूम की बात कर रहे हैं उन्होंने अनाउंस किया है की कि ये दोनों राइड करेंगे टुगेदर इंडिया में इसलिए इन्होंने ये डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट साइन किया है हीरो मोटोकॉप विल सेल और हाल डिविडसन जो मोटरसाइकिल है वो उसकी सर्विसेज देंगे उसके आगे लिखा है सेल पार्ट एंड एसेसरीज एंड जर्नल मर्चेंटाइज राइडिंग गियर एंड अपील थ्रू अ नेटवर्क ऑफ ब्रांड एक्सक्लूसिव हाले डिविडसन डीलर एंड हीरो एग्जिस्टिंग डीलरशिप नेटवर्क इन इंडिया सो इन्होंने इस बात में पूरा यही दिखाया है की डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट के तहत हीरो मोटरकॉप जो है वो सेल करेगी और हाले डिविडसन सर्विसेज सो so, किसने साइन किया डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट हाली डिविटस के साथ इंडियन मार्केट साइंटिस्ट ऑफ इंडिया गोल्डन जुबली अवार्ड ट्वेंटी कौन से साइंटिस्ट ने जीता है तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अवार्ड हमें ऑप्शन में दिया हुआ है कौन सा साइंटिस्ट जो तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के जिन्होंने जीता है फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ग्लोबल जुबली अवार्ड

यूनिवर्सिटी डायरेक्टर ऑफ रिसर्च और नबार्ड के जो चेयरमैन है के एस सुब्रमण्यम जी ने जीता है ये अवार्ड ने आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए सो so, किसने जीता है दैट इज डॉक्टर के एस सुब्रमण्यम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज फर्स्ट मेट्रो टू हैव वाइब्रेशन ऑब्सोर्विंग ट्रैक्स कौन सी फर्स्ट मेट्रो है जिसके अंदर है वाइब्रेशन ऑब्जॉर्विंग ट्रैक हमें ऑप्शन दिल्ली मेट्रो बी डीओ मुंबई मेट्रो सी डी ओ कोलकाता मेट्रो डी डी एन सुबह मेट्रो मुंबई मेट्रो जिसके अंदर है वाइब्रेशन ऑब्सार्विंग ट्रैक्स चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं द मुंबई मेट्रो Metro Rail Corporation will lay vibration absorbing track on the Pulava Vandra SEEPZ line 3. दा मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड हैज स्टार्टेड ट्रायल प्रोडक्शन ऑफ द हाई वाइब्रेशन एटेन्यूएशन बोडी ट्विन स्लीपर ब्लॉक्स टू लेट ट्रैक्स विद द हेल्प ऑफ ए मशीन फ्रॉम सोनी स्विटरलैंड सो कौन सी फर्स्ट मेट्रो so, है जिसके अंदर होंगे वाइब्रेशन ऑब्जॉर्बिंग ट्रैक्स होंगे जिसके सो वो मेट्रो है मुंबई मेट्रो क्यूंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसलिए ध्यान रखियेगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैजुअली हुई बी एस सी रिपोर्ट ऑन डिपेन्डिंग

टरी हैवड़ा जी उन्होंने ही ये रिपोर्ट लॉन्च करी है इसके ऊपर डिपेंडिंग ऑपरेशन इन इंडियन ब्राजेस साउथ अफ्रीका और इसमें उन्होंने काफी सारे की सेक्टर्स लिए है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज ऑफिस कम रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स ऑफ आई टी ए आई आई टी आई मतलब इनकम टैक्स अपील ट्रिब्यूनल कहाँ पे ऑफिस कम रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स ऑफ आई टी आई जो कि प्रोवाइड करेंगे मॉडर्न टैक्स सर्विसेज सो हमें ऑप्शन दिया सो ये है उड़ीसा में चले डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन नवंबर इलेवन टी ट्वेंटी इनोग्रेटेड द स्टेट ऑफ द आर्ट ऑफिस कम रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स ऑफ आई टी ए टी इन

प्रधानमंत्री जी ने ठीक है और इसके इनोग्रेशन फंक्शन को बहुत सारे लोगों ने अटेंड किया था जैसे कि यहाँ पे नाम लिखा उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर यूनियन मिनिस्टर ठीक है आई के प्रेजिडेंट और भी बहुत सारे लोगों ने सो so, बट आपको ये ध्यान रखना है कि ये ऑफिस है कहाँ पे ऑफिस कम रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स दैट इज इन उड़ीसा अब हम इम्पोर्टेंट मेन पॉइंट और इम्पोर्टेंट डेज के बारे में बात करेंगे सो फर्स्ट नेशनल एजुकेशन डे ट्वेंटी ट्वेंटी नवंबर नेशनल एजुकेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है इलेवन नवंबर को इट मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मौलाना सैयद अब्दुल कलाम फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया ये हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले education इन्हीं की बर्थ एजुकेशन मिनिस्टर थे नेशनल एजुकेशन डे से किया जाता है जो की इलेवंथ नवंबर को हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इंडियन नेवी रिक्वायरमेंट यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने ऑफर किया naval fighter jets Indian Navy requirement पे. Next point है एफ एटीन नेवल फाइटर जेट्स इंडियन नेवी रिक्वायरमेंट पे नेक्स्ट पॉइंट है सोनो स्विथ ऑटोबायोग्राफी टू बी टाइटल एस आई एम नो मसीहा सोनू सूद सुन ने एक ऑटोबायोग्राफी का टाइटल रखा है आई एम नो मेसिहा नेक्स्ट पॉइंट है सो पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे 2020 कब सेलिब्रेट किया था ट्वेल्थ नवंबर को और इसको और भी किस नाम से बुलाया जाता है सो पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे को बुलाया जाता है जन प्रसारण दिवस भी इसको बुलाया जाता है नेक्स्ट पॉइंट है वर्ल्ड न्यूमोनिया डे जो है वो सेलिब्रेट किया नवंबर को जिससे हम क्रिएट कर सके अवेयरनेस अमंग द जनरल पीपल अबाउट न्यूमोनिया सो फर्स्ट पॉइंट क्या है नेशनल एजुकेशन डे कब मनाया जाता है इलेवंथ नवंबर को और उस दिन किसकी बर्थ एनिवर्सरी होती है मौलाना सैयद अब्दुल कलाम गुलाम जी की जो की हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर सो so, इस पॉइंट से आपको क्या पता चल गया कि हमारे पहले इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे मूलाना सैयद अब्दुल कलाम गुलाम ठीक है यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका ने ऑफर करे नेवल फाइटर जेट्स इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सोनू सूद की जो ऑटोबायोग्राफी है उसका टाइटल क्या है आई एम नो मसीहा पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे ट्वेंटी कब सेलिब्रेट किया जाता है ट्वेल्थ नवंबर को और इससे और क्या बोला जाता है जन प्रसारण दिवस वर्ल्ड नमोनिया डे कब सेलिब्रेट किया जाता है ट्वेल्थ नवंबर को कि जिससे हम अवेयरनेस क्रिएट कर सके अमंग द जनरल पीपल अबाउट नमूनिया अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इनोग्रेटेड ऑस्ट्रेलिया इंडिया वाटर सेंटर किसने इनोग्रेट किया था ऑस्ट्रेलिया इंडिया वाटर सेंटर हमें ऑप्शन में नहीं दिया नरेंद्र सिंह तोमर बी जावी दी प्रकाश जावेदी है गजेंद्र सिंह दी सो so इनोग्रेट किया था गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं ऑस्ट्रेलिया इंडिया वाटर सेंटर वॉज अ वेबिनार इन व्यू ऑफ अ पेंडेमिक सिचुएशन द वाटर सेंटर इज लीड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न सिडनी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड आई आई टी गुहाटी फ्रॉम इंडिया अलॉन्ग विद ट्वेंटी वन अदर पार्टनर्स फ्रॉम इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया डैन तेहन मिनिस्ट्री मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट और ऑस्ट्रेलिया गजेंद्र सिंह शेखावत मिनिस्ट्री फॉर जल शक्ति गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो प्रेसिडेंट ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न सिडनी ऑस्ट्रेलिया से और आई गुवाहाटी इंडिया से इसके अंदर 21 वन हैं है इंडिया से ठीक है सो बट आपको मेन याद क्या अपने माइंड में रखना कि किया, किया था गजेंद्र सिंह शेखावत और वहां से ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कौन इसे लीड तरह है यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न सिडनी और हमारे यहां से आई टी गुवाहाटी नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल आई एफ एस सी ए आई एफ एस सी ए की फुल फॉर्म क्या है हमें ऑप्शन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी बी इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्कोप सेंटर अथॉरिटी सी डिओ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अपील दीदीओ नन ऑफ दिस आई एफ एस सी ए की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं आई एफ एस सी ए अप्रूव द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी बैंकिंग रेगुलेशन 2020, ट्वेंटी द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी ऑन अप्रूव ड्राफ्ट बैंकिंग रेगुल फॉर बैंकिंग ऑपरेशन एट आई एफ एस सी सो आई एफ एस सी ए जो है वो अप्रूव करता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी और इनके जितने भी रेगुलेशन है ये और ये अप्रूव करता है आई एफ एस सी ए की फुल फॉर्म क्या है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी सो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन हैशिया कौन प्रोवाइड करना है साइबर डिफेंस टेक्नोलॉजी डिजिटल पेमेंट में इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया

दोनों प्रोवाइड कर रहे हैं साइबर डिफेंस टेक्नोलॉजी डिजिटल पेमेंट की इंडिया साउथ ईस्ट ईस्ट एशिया में डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं अल्टीमा अ लीडिंग ग्लोबल प्रोवाइडर ऑफ आईटी सिक्योरिटी सॉल्यूशन एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड वन ऑफ इंडिया लीडिंग प्रोवाइडर ऑफ एंड टू एंड कैश एंड डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी हैव एंटर्ड अ पार्टनरशिप टू सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडिंग द दाइएस्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी टू देयर पेमेंट एंड ऑटोमेशन सोल्यूशन सो अल्टी मे एक लीडिंग ग्लोबल प्रोवाइडर है आईटी सिक्योरिटी सॉल्यूशन का और टेक, ट्रांसिक टेक्नोलॉजी जो है वो इंडिया की एंड टू एंड कैश और डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी में है ये दोनों पार्टनरशिप कर में आए हैं जिससे की सपोर्ट कर सके ऑर्गेनाइजेशन को जिससे की प्रोवाइड कर सके हाइस्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी पेमेंट एंड ऑटोमेशन सोल्यूशन में तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है हु लॉन्च प्रोजेक्ट एयर केयर इन गुड़गांव टू फाइट एयर पॉल्यूशन किसने लॉन्च किया है प्रोजेक्ट एयर केयर गुड़गांव में जिससे की वो फाइट कर सके एयर पॉल्यूशन ऑप्शंस हमें ऑप्शन में रविशंकर प्रसाद बी दिया नरेंद्र सिंह तोमर सी डी है तो मनोहर लाल ये लॉन्च किया है, है। गुड़गांव में कि जिससे कि तो क्वेश्चन से ही अपना आंसर पता लगा सकते हैं देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि कहा पे किया है इन गुड़गांव तो हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर है सो चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं हरियाणा चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खत्तर प्रोजेक्ट एयर केयर अंडर विंड ऑगमेंटेशन Purifying units will be installed across Gurugram through public private partnership. सो so, हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खत्तर जी ने अनविल किया है प्रोजेक्ट एयर केयर प्रो प्रोग्राम अंडर विच सिक्सटी फाइव विन एगुमेंटेशन प्योरिफाइंग यूनिट्स इंस्टॉल की जाएंगी गुरुग्राम में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन एम ओयू विद गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका टू इम्प्रूव गवर्नमेंट स्कूल्स इन बैंगलोर किसने एम साइन किया है गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के साथ की वो इम्प्रूव कर सके गवर्नमेंट स्कूल्स बैंगलोर में हमें ऑप्शन भी दिया एम्बेसी ग्रुप बी दिन्नमैन सी दिया पार्क साइड पार्टनर डी दिया नन ऑफ दिस सो ये एमओ गवर्नमेंट ऑफ़ कर्नाटका के साथ साइन किया एम्बेसी बेसिक ग्रुप ने कि जिससे कि वो इम्प्रूव कर सके गवर्नमेंट स्कूल्स बैंगलो में तो so, चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं ग्रुप हैज साइन अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल अराउंड इंप्रूवमेंट ऑफ गवर्नमेंट इन गोर द स्कोप ऑफ द एमओ टू प्रोवाइड एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट एंड हॉलिस्टिक्स हेल्थ प्रोग्राम फॉर ट्वेंटी गवर्नमेंट स्कूल्स एट ए बजट ऑफ रुपीज फिफ्टीन करोड़ सो एम्बेसी ग्रुप ने साइन किया एम ओए गमेंट ऑफ कर्नाटक के साथ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के साथ जिससे की वो इम्प्रूव कर सके गवर्नमेंट स्टूल्स बैंगलोर में और वो इसलिए भी यू साइन किया कि वो प्रोवाइड कर सके उन्हें एजुकेशन रिसोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट और होलिस्टिक हेल्थ प्रोग्राम फॉर ट्वेंटी गवर्नमेंट स्कूल और कितने के बजट में फिफ्टीन करोड के बजट में किसने साइन किया गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक के साथ गवर्नमेंट स्कूल बैंगलोर में दैट इज साइन ग्रुप हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेर इज इंडिया फर्स्ट सैंडलवुड म्यूजियम इंडिया का फर्स्ट सैंडलवुड म्यूजियम कहां है हमें ऑप्शन कर्नाटका बी और राजस्थान सी सीडियो मुंबई डी और सो ये है कर्नाटका में चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं द कंट्रीज वेरी फर्स्ट सैंडलवुड म्यूजियम इज लाइकली टू

कंस्ट्रक्ट किया था 20 किलोमीटर फोर लेन रोड ब्रिज अक्रॉस द रिवर ब्रह्मपुत्र फ्रॉम दुबरी टू फुलबारी विच विल बी द कंट्री लॉन्गेस्ट ब्रिज ओवर अ रिवर जो कि कंट्री का लॉन्गेस्ट ब्रिज होगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु लॉन्च कंस्ट्रक्शन ऑफ थर्ड इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट टू बोस्ट ट्रेड किसने कंस्ट्रक्ट किया है थर्ड इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट की जिससे की बूस्ट कर सके ट्रेड तो चलिए देखते किसने कंस्ट्रक्ट किया है थर्ड इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट की जिससे कि वो बूस्ट कर सके ट्रेड चलिए देखते ऑप्शंस में ऑप्शंस में दिया हमें इंडिया नेपाल सी डी और दोनों कंट्रीज ने कंस्ट्रक्ट किया थर्ड इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट की जिससे की वो बूस्ट कर सके अपने ट्रेड को इंडिया नेपाल दोनों ने सो बोथ एंड बी इज करेक्ट आंसर चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं इंडिया नेपाल लॉन्च द कंस्ट्रक्शन ऑफ एज वन फोर्टी सेवन पॉइंट वन टू करोड़ इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट एंड नेपाल गन्स टू स्ट्रीम लाइन एंड बूस्ट क्रॉस बॉर्डर विजिट टू काठमांडू बाय फॉरन सेक्रेटरी हर्ष श्रिंगला टू टेकर्ड बा और नेपाल ने लॉन्च किया है इंटीग्रेटेड का, का कहा बूस्ट कर सके अपना क्रॉस बॉर्डर ट्रेड और विजिट कर सके काठमांडु को बाय फॉरिनटरी हर्ष श्रिंगला जो की आएंगे बायोलिटरल टाइज में ठीक है सो so, किसने विजिट किया था काठमांडू को हमारे फॉरन मिनिस्टर हर्षला जी ने जिससे की वो बूस्ट कर सके ट्रेड को क्रॉस बॉर्डर ट्रेड so, हमारे ऑप्शन है टी एस त्रिमूर्ति बी दिया हुआ है राजनाथ सिंह सी दिया हुआ CDO, NP, DDO, नन so, ये एड्रेस किया था टी एस त्रिमूर्ति जी ने यही हमने ऑप्शन लिखा हुआ है कि जी जी सेवन सेवन फॉरन मिनिस्टर एनुअल फोर्टी फोर्थ मीटिंग में हमारे यहाँ से टी एस त्रिमूर्ति जी ने उसे किया था नेक्स्ट क्वेश्चन है हाई एज इंडिया डीडी और सपना फाउंडेशन सी डी ऑर बोथ एंड नन ऑफ दिस सो ये जीता है हाई एज इंडिया ने ट्वेंटी ट्वेंटी यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं हर मजिस्ट्री गायल युम संगे चोरेन वांगचुक Queen Mother of Bhutan was announced as the individual for the 2020 United Nations Population Award. Helpage India was announced as the award institutional. Helpage India co ये अवार्ड दिया जा रहा है ठीक है और इसे क्वीन भूटान ने अनाउंस किया है कि उन्हें ये अवार्ड मिला है किसको हेल्पेज इंडिया को हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है म्यांमार इलेक्शन कौन जीता है में इलेक्शन में? में, में, so, में जीते बी ऑप्शन आपका करेक्ट है ऑंग सैन सुंग चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते नाइन नाइनटी वन ऑंग द नोबेल पीस प्राइज While still under house arrest and hailed as an outstanding example of the power of the powerless, at house member now leaders remain hugely popular with the country's Buddhist majority. But international, her response to the Rohingya crisis has restated. फॉल फ्रॉम ग्रेस दैट यू हैज प्रो आंग सू की जो है इन्हें नोबल पीस प्राइस मिला है ठीक है और वहाँ की जो मिनिस्टर्स है वो अपने बुद्धिस्ट मेजोरिटी की वजह से ज्यादा फेमस है बट आपको यहाँ क्या दिमाग में रखना है की कि किसने जीता मेम्बर का इलेक्शन दैट इज आंग सैंग अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा है समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को शेयर करिए वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए हम आपको रिप्लाई सब करेंगे देश का नाम रोशन करिए पेरेंट्स का नाम रोशन करिए और खूब पढ़ाई करिए